जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सिवाय आज सावन मास की अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से एवं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा को सुनने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है और समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ हरियाली अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। राजा अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधु ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधु की यह बातें चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा कि यह बहुत ही अच्छा अवसर है राजा की पुत्र वधु को सबक सिखाने का, चलो उससे बदला ले लिया जाए। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उसकी साड़ी को अतिथि के रूम में देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने लगे। पूरे गांव वालों को यह बात पता लग गई। साथ में राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची कि उसकी पुत्र वधू के चरित्र पर उंगली उठने लगी। राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए अपने सैनिकों से कहा। सैनिक राजा की आज्ञा मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधु रोज मेरी पूजा किया करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सब अन्य दीपकों ने उनसे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के रूम में रख दिए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू से माफ़ी मांगी और उसको महल पर वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।